एक बार सीधे बैठ करके सभी बंधु ओम का उच्चारण करेंगे। आदरणीय मातृशक्ति आर्य समाज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए धर्मप्रेमी बंधुओं, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष कार्यक्रम है। जैसा कि हम सबको विदित है, दीपावली के अवसर पर दीपावली के दिन महर्षि दयानंद जी का निर्माण हुआ था। 15-20 दिन मृत्यु से संघर्ष करते हुए महर्षि दयानंद जी ने किस दिवस पर, इस दिवाली के अवसर पर अपना शरीर त्याग किया था, अपना नश्वर चोला छोड़ दिया था और ये कहते हुए छोड़ा था, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। भूतो न भविष्यति, ऐसा ऋषि कहाँ पैदा होगा, सदियों में कहीं एक बार भाग पैदा होता है। अगर ऋषि दयानंद का आविर्भाव हमारे भारत में ना हुआ होता तो शायद हम आज भी आजाद ना होते। और वास्तविकता यह है, ये है कि महर्षि दयानंद का जो स्वराज था वो आज भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। हम राजनीतिक रूप से भले ही स्वतंत्र हो गए हों, लेकिन सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से हम आज भी स्वराज प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पूरी की पूरी एक आर्य समाज के लोगों की श्रृंखला है जिन्होंने इस स्वतंत्रता के संग्राम को लड़ा। 1857 की पहली जो क्रांति हुई थी मेरठ के अंदर, वह महर्षि दयानंद की ही सोच थी, उन्हीं की देन थी। तो बंधु, ऐसे ऋषिवर का ध्यान करते हुए मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिए, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे दुनिया वालों देव दयानंद।
जलाने आया था, बट गया सारा जब तक जग में, जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियां, सागर नदियां जंगल पर्वत सारे हैं, पथिक रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं, दुनिया वालों देव दया जलाने आया था, भूल चुके थे राह जो अपनी वह दिखलाने आया था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने